प्रधानमंत्री मोदी के लगातार तीसरी बार ग्लोबल लीडर में टॉप आने पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल लीडर में भी टॉप पर हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी टिप्पणी की। गृह मंत्री मिश्रा ने अरुण यादव के मुख्यमंत्री वाले बयान पर कहा कि अरुण यादव जी वरिष्ठ नेता है, वे केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो प्रजातांत्रिक बात करते हैं और कमलनाथ जी स्वयंभू जनरल ऑफ अटर्नी हैं। उन्होंने भावी मुख्यमंत्री के रूप में अपने ही होर्डिंग लगा दिए हैं और अब उन्हीं की पार्टी के नेता उन्हें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। पहले प्रभारी ने कहा, अब अरुण यादव ने कमलनाथ को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है और यह कह दिया है कि वो विधायक तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। यह स्थिति अब कांग्रेस और कमलनाथ की हो गई है। वहीं मिश्रा ने बजट पर कांग्रेस की टिप्पणी पर कहा कि कर्ज एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, फर्क सिर्फ खर्च का है। हमारी सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं। मिश्रा ने कहा, हमारा बजट विकास पर खर्च हो रहा है, गांव पर खर्च हो रहा है, गरीब पर खर्च हो रहा है और कांग्रेस का बजट जैकलीन और सलमान पर खर्च होता है। कर्जा तो कांग्रेस भी लेती थी। देखो, अरुण यादव जी वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वो प्रजातांत्रिक बात कर रहे हैं और कमलनाथ जी स्वयंभू जनरल ऑफ अटॉर्नी है, उन्होंने अपने होर्डिंग खुद ही लगा दिए भावी मुख्यमंत्री के रूप में। तो मेरी मान्यता ऐसी है कि अब ये बात उन्हीं की पार्टी के नेता लगातार उन्हें आईना दिखा रहे हैं। पहले प्रभारी ने कहा, अब आदरणीय अरुण यादव जी ने स्पष्ट रूप से उन्हें खारिज कर दिया है और कह दिया है कि ये विधायक बनेंगे, वो विधायक तय करेंगे या उनका नेता तय करेंगे। ये स्थिति अब कांग्रेस पार्टी की हो गई है और कमलनाथ जी की। देखिए, दो बातें हैं, बजट कर्ज ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, फर्क खर्च का है। हमारी विकास यात्राएं निकल रही हैं, हम शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, वो हमारा बजट विकास पे खर्च हो रहा है, गांव पे खर्च हो रहा है, गरीब पे खर्च हो रहा है और उनका बजट सलमान और जैकलीन पे खर्च होता था। कर्जा तो वो भी लेते थे, माननीय मोदी जी हैं, जब मध्य प्रदेश के वो प्रभारी थे तब हम सब उनमें गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि देखते। गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो पूरा देश उनमें भारत के प्रधानमंत्री की छवि देखता था और जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो पूरा भारत उनमें वैश्विक नेता की छवि देखता था। और आप आज अपनी आंखों से देखिए कि ग्लोबल लीडर की लिस्ट में हमारे प्रधानमंत्री टॉप पे है, वैश्विक नेताओं में भी टॉप पे है। जो अमेरिका के बाइडेन जी और यूके के ऋषि सुनक जैसे नेता थे, आज मोदी जी की लोकप्रियता में सभी पिछड़ गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट में 78% माननीय मोदी जी को लाइक किया गया, सराहा गया है और वैश्विक नेतृत्व के रूप में प्रभु श्रद्धेय मोदी जी आए। गृह मंत्री मिश्रा ने ब्लॉक स्तर पर जनसेवक नियुक्ति और युवा समागम पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है, हमारे सरकार, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जो भी काम करते हैं, उसकी मानसिकता स्पष्ट है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएं, ज्यादा से ज्यादा विकास कराएं। आज भी 1,00,000 से अधिक रोजगार के अवसर सरकार के स्तर पर निकले हुए हैं, नौकरियां लग रही हैं, भर्तियां हो रही हैं और 2,50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर, जैसे लोन देना, सब्सिडी देना और हर महीने रोजगार मेले लगाकर रोजगार दिए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने PFI पर कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि PFI के 18 लोग जो गिरफ्तार हुए थे, उनमें से फरार चल रहे 2 लोगों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और रिमांड पर पूछताछ के लिए भेज दिया गया है और बहुत से खुलासे हो सकते हैं। देखिए, हर चीज का उद्देश्य आप स्पष्ट मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है, हमारी सरकार, हमारे नेता, मुख्यमंत्री जो भी काम करते हैं, स्पष्ट उनकी मानसिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएं, ज्यादा से ज्यादा विकास कराएं। आज भी आप देखेंगे तो 1,00,000 से अधिक रोजगार के अवसर सरकार के स्तर पर निकले हुए हैं, नौकरियां लग रही हैं, भर्तियां हो रही हैं। अभी पिछले ही हफ्ते हमने पुलिस विभाग का, आरक्षकों का, जो आप सब भी थे, और 2,50,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर, लोन देना, सब्सिडी देना और रोजगार मेले हर महीने लगा करके अभी तक हम दे चुके हैं। ये सब उसी प्रक्रिया का अंग है। ये कार्रवाई जो PFI के पकड़े गए हैं, वासिद खान पुत्र बाबू खान, ये जो पूर्व में 18 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें से एक दो लोग जो फरार चल रहे थे, उसी में से एक ये
इसी भोपाल की एटीएस ने पकड़ा हुआ है। एटीएस के द्वारा जो अपराध पंजीबस्ता 43/2022 उसी के अंदर इनको पकड़ा गया है। ये वासित खान पीएफआई की एक लीगल विंग थी एनसीएचआरओ, उसका काम करता था और उसका वो महासचिव भी था। इसको पकड़ा गया है, इसको अभी 8 तारीख तक की पुलिस रिमांड पर लिया गया है पूछताछ में, और भी कई विषय खुलने की संभावनाएं हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।